बैठू। अब जरा पैरों पर करो। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी? हाँ। उतारो। देखो जितना ज्यादा तुम शर्माओगी ना तो तुम्हारा ही वक्त बर्बाद होगा। है? अरे आप ये क्या कर रही हैं? अजी पैर तो मैंने आपके छूने चाहिए क्योंकि आपने हमसे शादी के लिए हाँ कर दी। ये आप क्या कह रहे हैं? अजी आपके लिए हमारे दिल में तो उसी दिन इज्जत बढ़ गई जिस दिन आपने अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया। जो लड़की ये कर सकती है वो अपने पति के लिए कितना कर सकती है। धन्य हो देवी, धन्य हो। मुझे देवी कह के शर्मिंदा मत कीजिए, मैं तो दासी हूँ। पति की सेवा करना तो औरत का धर्म है। धर्म तो मेरा है जी, आज तो मैंने आपकी सेवा करनी है। मुझे शर्म आ रही है। शर्म? अजी जो करे शर्म उसके फूटे करम। इस उम्र में भी ऐस कर रहा है। लॉटरी खुल गई लाला, तेरी तो लॉटरी खुल गई। लगा रहा है लाला। लो बैटिंग करने से पहले ही क्लीन बोल्ड हो गया। बैठो। अब जरा पैरों पर करो। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी? हाँ। उतारो।
देखो जितना ज्यादा तुम शर्माओगी ना तो तुम्हारा ही वक्त बर्बाद होगा। लेकिन आप यहाँ क्या बात है? आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। क्या बताऊं चक्कू, मेरे पूरे बदन में कुछ दर्द सा हो रहा है। जरा दबा दो ना। मालकिन, मैं सेठ जी का बदन दबाता हूँ, उनके पूरे शरीर का दर्द निकल जाता है। मैं आपका भी बदन दबा देता हूं। आप लेट जाइए, लेट जाइए। तुझे पैदा होते ही मार देता। अपने बूढ़े बाप के मुंह पर कालक मलते हुए तुझे लाज नहीं आई? बोल बोल दे क्यों नहीं, बोल दे क्यों नहीं। और मारो, मैं इसी काबिल हूँ। मेरा गला घोट दो। आपको तो पूरा हक है क्योंकि आप मेरे पिता हैं। अब आप ही को मुझे इस पाप की भरी हुई दुनिया से मुक्ति दिलवानी होगी। बाबा बाबा, हम सब बहनों को मार डालो, मुझे ही नहीं लक्ष्मी को भी मार डालो। उसने माँ की जान बचाने के लिए अपनी जिस्म का सौदा किया। हाँ बाबा, विद्या को भी मार डालो। उसने सपना की कॉलेज की फीस देने के लिए खुद को बेच डाला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। तू क्या कह रही है, तू क्या कह रही है? मैं आपको जिंदगी की सच्चाइयों की कड़वाहट बता रही हूँ। अगर मैं जेठा की हवस पूरी नहीं करती तो वो आपको जेल भिजवा देता और सपना की डोली कभी नहीं उठती। बेटा, पाप मैंने किए और फांसी पे मेरी फूल सी बच्ची चढ़ गई। मैं कितना बदनसीब हूं बेटा। लेकिन लेकिन अब तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना, अब मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ नहीं बाबा, मैं उस शैतान की चुंगल में इस बुरी तरह फंस गई हूँ कि अब मैं कभी आजाद नहीं हो सकती। मुझे इसी वक्त उसके पास जाना होगा, और अगर मैं वहां नहीं गई तो वो यहाँ आके सबके सामने आपकी पगड़ी उछाल देगा, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। दुल्हन, तुम आ गई आशा रानी। आशा रानी, मैंने पहले भी तुम्हें एक बार कहा था कि चील के घोंसले में मांस तलाश करने की कोशिश मत करो, लेकिन तुम नहीं मानी। जेठा साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैंने पवित्र अग्नि के सामने अपने पति के साथ साथ फेरे लिए, अब मैं उनकी अमानत बन चुकी हूँ। अमानत तो तुम मेरी हो आशा रानी, लेकिन तुमने उसमें खयानत की। मैंने तुम पर ढेरों रुपया लुटाया, तुमने अपने तीन बहनों की शादी रचाई, और आज जब मतलब निकल गया है तो अपना संसार बसा लिया। मिस्टर जेठा, आपने अपने पैसों की एवज में मेरे शरीर से अपनी पूरी कीमत वसूल की,
अब ये लाश आपको कोई सुख नहीं पहुंचा सकती, मगर एक ऐसा फरिश्ता है जो इस लाश को अपनी जिंदगी बनाना चाहता है। देखो आशा रानी, जेठा को फरिश्ता बनने का कोई शौक नहीं है, वो तो अपनी शैतानी में ही मस्त है। नहीं कुत्ते, मैं मर जाऊंगी मगर इस सिंदूर की लाली को अपवित्र नहीं होने दूंगी। कमीने!